Yes, everyone, very good evening, all of you. Welcome back. Very good evening, all of you. Welcome back. I hope everyone is doing good. Now I am visible to everyone. Please tell me. Abhi, I am visible. Hanji, every one of you. Okay, great. I guess some technical issue was there. Bataiye, kaise hain aap log? How are you, everyone? Welcome back. Welcome to Gurmantra. Another free practice session mein aap logon ka swagat hai. All of you. All good, everyone. Chali. Okay, great. I hope so. सभी लोग ठीक हैं एंड एक और प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार हैं. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं. मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम फाइन. अनुष्का, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम परफेक्टली फाइन. आज मैंने क्लास नहीं ली, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल कविता, सो इस वजह से आज शाम की क्लास नहीं हो पाई. बट अभी हम क्लास कॉन्टिन्यू करते हैं, ठीक है? अभी आई एम फाइन, अभी आई एम फाइन, एकदम ठीक हूँ मैं. सो गाइस, इन केस अगर आप नए हैं ना, आपको नहीं पता, तो आप जो है मेरा गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट इज टोटली फ्री, सो दैट अपडेटेड नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे. आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर भी कनेक्टेड हो सकते हो, जहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें डेली बेसिस पर शेयर करती हूँ. अगेन, आज हम एक और प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं. कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप चीज़ों को करोगे. वी स्टिल आर इन प्रैक्टिसिंग मोड, टेक योर टाइम. बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन सेंस का यूज होगा, उस कॉमन सेंस को आप यूज़ करोगे. जितने भी एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज या आर्ट हैं चीज़ों की, वो आपको ध्यान रखनी है. हमेशा बोलती हूँ, दोबारा से बोलती हूँ, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए या कम मार्क्स आए, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है. आप चीज़ें सीख रहे हैं, वो चीज़ मायने रखती है, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लीजिए, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है या सेक्शन बी का क्वेश्चन है, क्योंकि एलोकेटेड टाइम, एक टाइम जो है वो रन करता है हर एक क्वेश्चन के साथ. अगर सेक्शन बी का क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको एक मिनट का टाइमर दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे, 60 सेकेंड्स दिखाई देंगे कि दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी. सेक्शन सी का क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, जिसके लिए मैंने 2 मिनट आपको दूंगी. ऑलरेडी टाइम मैंने कम रखा है ताकि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, सब चीज़ें इम्प्रूव हो सके. स्ट्रिक्टली नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न भी हम फॉलो करेंगे. प्लीज़ अपने साथ कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए. हो सकता है आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़े, आपको अपना ऑप्शन लिखना पड़े. स्टार्टिंग में आप अपना ऑप्शन खुद लिखेंगे, चैट बॉक्स हाइड करके रखेंगे. सेक्शन बी का क्वेश्चन आप गलत करते हैं, 0.5 डिडक्ट करेंगे. सेक्शन सी का गलत करते हैं, 1 मार्क डिडक्ट करेंगे. ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की. लास्ट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा. सो आर यू रेडी फॉर दैट टेस्ट एवरीवन? चलिए, तो 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना. विजुअल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. लाउडली पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. स्पीड अपनी मेंटेन रखनी है टाइम के अकॉर्डिंग, साथ साथ एक्यूरेसी को भी इंपॉर्टेंस देनी है. मैं किसी भी क्वेश्चन की प्रोनंसिएशन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर करूँगी तो टाइम वेस्ट होगा. क्वेश्चन शुरू होते ही आप सबका दिमाग दौड़ना शुरू हो जाना चाहिए. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स स्टार्ट. Here's the first question, everyone.
ऑलमोस्ट 10 seconds आर रिमेनिंग. प्लीज स्टॉप एवरी वन, टाइम इज ओवर. ये क्वेश्चन एक सेक्शन सी का क्वेश्चन था. गिवन बिलो आर द पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑफ थ्री डिफरेंट पॉपुलेशन. तीन डिफरेंट पॉपुलेशन दी हुई है, ए बी सी, एंड एक पॉपुलेशन इकोलॉजी जो आप पढ़ते हो, पॉपुलेशन पिरामिड्स आप पढ़ते हो अलग अलग टाइप के. एक्सपेंडिंग इज देयर, डिमिनिशिंग इज देयर, राइट? डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स आप लोग पढ़ते हो. डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इन ईच. आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली बेस्ड ऑन द गिवन पिरामिड्स आपको इनकरेक्ट चीज जो है वो फाइंड करनी है. देखिए, आप पिरामिड की अगर आप बात करते हो, ऐसा होता है ना, पिरामिड अपन लोगों ने शायद कल भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, छोटी क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ते थे पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट पढ़ते थे. इसको बेसिकली आप तीन सेक्शन में डिवाइड करते हो. जो नीचे वाला बेस होता है वो बेसिकली होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें आप बर्थ रेट को, बच्चों को कंसिडर करते हो, है ना. इसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें आप बेसिकली अडल्ट्स को कंसिडर करते हो, ठीक है. एंड सबसे टॉप पर अपन लोग देखते हैं, टॉप पर अपन लोग देखते हैं क्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें हम लोग जो है ओल्डर एज के पीपल को या फिर सीनियर सिटीजन्स को जो है वो कंसिडर करते हैं. ये तीन पार्ट अपन लोग देखते हैं. इन्हीं के बेसिस पर ही हम देखते हैं कि अगर आप एक कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, इन दैट केस वो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है या डिमिनिशिंग है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेजर्स लिए जाते हैं. आप देखते हो ना, हर 10 साल में सेंसस होता है, हिंदी में हम उसको जनगणना बोलते हैं. काफ़ी सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जगह से जो है घर पर आते हैं, पूछते हैं, पूरा फॉर्म फिल करते हैं, घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने यंगस्टर हैं, कितने ओल्ड पीपल हैं, फिर एक डेटा तैयार होता है. उसके हिसाब से पता चलता है कि देश की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है या अवेयरनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. क्वेश्चन छोटा है, आसान भी है, बट सीखने को काफ़ी कुछ है. यू हैव टू पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट को आप देखते हो, पॉपुलेशन बी हैज लोअर ग्रोथ रेट देन द पॉपुलेशन ए. ग्रोथ रेट को अगर आप देखोगे, पॉपुलेशन बी स्लोअर ग्रोथ रेट, इसका बेस आप देख रहे हो इतना है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पॉपुलेशन ए, जिसका बेस बहुत ज़्यादा बॉटम बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एकदम सही चीज़ है जो उसने बोली है. नेक्स्ट, पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हायर देन इट्स डेथ रेट. पॉपुलेशन सी की अगर आप बात करते हो, जिसका बेस ये है, एंड अगेन आप डेथ रेट की बात करते हो, तो डेथ रेट में हम ये टॉप लेंगे. बिल्कुल उल्टी बात यहाँ पर लिखी हुई है. यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्थ रेट कम है, बर्थ रेट कम है, ज़्यादा नहीं है. एंड यही तो चीज़ हमको फाइंड करनी है. एवरी वन ऑफ यू, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यू हैव टू सी द इनकरेक्ट वन, एज ईजी एज दैट. एवरी वन, येस, सी इज द वन दैट इज शोइंग द डिक्लाइनिंग पिरामिड. या आप कह सकते हैं यहाँ पर लोगों के में अवेयरनेस बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों का जन्म कम हो रहा है, बट मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पेस पर लोग मर रहे हैं. चार नंबर ऐड कीजिए अगर आपका आंसर सेकेंड था तो. ऑलरेडी मेरा इस पर फ्री कोर्स है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने चार टाइप की पॉपुलेशन पिरामिड समझा रखी है विद एग्जांपल. स्टेशनरी, एक्सपेंडिंग जो बढ़ती चली जाए, कंस्ट्रिक्टिव जो सिकुड़े कंस्ट्रिक्ट होती चली जाए, या डिमिनिशिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट ऑफ कंस्ट्रिक्टिव वन. हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कंट्रीज होती हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज तो बच्चों के बर्थ कंट्रोल पर बहुत सारी जो है इंसेंटिव्स भी देती हैं कि दो बच्चे करो, एक बच्चे करो, आपको इंसेंटिव मिलेगा. लोग एजुकेटेड होते हैं, उनको अवेयरनेस होती है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होती है, वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड मिलता है. इंडिया का कैसा है, इंडिया का कैसा है एवरी वन, इंडिया का कैसा है बताएं इन चारों में से. स्टेशनरी है, एक्सपेंडिंग है, कंस्ट्रक्टिव है, या डिमिनिशिंग है, बताइए.
एक्सपेंडिंग है ना, लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। सो एवरीवन प्लीज मेक श्योर चार नंबर ऐड करें जिसका भी ऑप्शन सेकंड था, अदरवाइज डिडक्ट वन मार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हैं रह जाएंगे, फिर आपका 9 बजे जो है वो क्विज भी शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एवरी वन, एंड ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। पोल यहाँ पर कहाँ से लाऊं मैं, पोल यहाँ पर नहीं आ सकता। आप आंसर यहीं पर ही दीजिए, बट ऑनेस्ट रहिए, पहले आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके स्टॉप एवरीवन, प्लीज स्टॉप। आई कैन सी वेराइटी ऑफ आंसर्स, सम आर सेइंग वन, सम आर सेइंग टू, सम आर सेइंग थ्री एंड सम आर सेइंग फोर। फिर भी मेजॉरिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एकदम सही आंसर दिया है। मेरी 2-3 बातें बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर आप बात करते हैं कंजर्वेशन से रेलेवेंट, कंजर्वेशन इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस के बाद, है ना। आप समझ चुके होंगे चीज़ों को कितना ज़्यादा, नेचर की तरफ कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इसकी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, आगे भी आएंगे। आप देखोगे 10 पेपर लेकर बैठोगे, 6 से 7 बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो भी सेक्शन सी में। तो क्यों ना आधे घंटे की, 20 मिनट की, 25 मिनट की मेहनत इस पर करके एक बार इसको याद कर लिया जाए, एवरी वन ऑफ यू। फोर्थ इज द राइट आंसर, एंड ऐसे क्वेश्चन में स्कोरिंग के कितने हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। सबसे बड़ा क्लू इसमें जो था वो ई था। किसी को कुछ पता है कि नहीं पता, उसको ये ज़रूर पता है कि जो गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, वो लायंस के लिए फेमस है। दिस इज़ द बिगेस्ट क्लू। आप लोग देखते हो काफ़ी बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आती है, अमिताभ जी भी करते हैं, गुजरात को लेकर, राजस्थान को लेकर, पधारो मारे देश, ऐसी टैग लाइन्स भी होती हैं। गुजरात के लिए भी आती है, उसमें लाइन को भी एज एन रिप्रेजेंटेटिव दिखाया जाता है पूरी एडवर्टाइजमेंट में, अगर आपने कभी उस चीज़ पर ध्यान दिया हो। अगर आपको इतना भी पता था, आपके 2 ऑप्शन तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाने थे, पहला और तीसरा। नाउ यू आर लेफ्ट विथ सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। अगेन अगर मैं बात करूँ, दाचीगम नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में, इट इज़ वेरी फेमस फॉर हैंगुल। दिस इज़ अगेन द बिगेस्ट क्लू। ये सारे के सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एवरीवन। डिब्रू नेशनल पार्क जो असम में है, आप लोगों ने कभी ना कभी हो सकता है विजिट भी की हुई है, ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। फेरल हॉर्स का वहाँ पर एक की प्रोटेक्टेड एनिमल है, की प्रोटेक्टेड मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि उसकी पहचान है। वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करते हैं, अगेन वहाँ पर राइनोसोर्स आर द वन, जी संगीता, राइनोसोर्स आर द वन जो कि वहाँ पर फेमस है, की प्रोटेक्टेड एनिमल है। एंड तमिलनाडु की अगर आप बात करते हैं, नीलगिरी ताहर वहाँ पर की प्रोटेक्टेड एनिमल है।
अभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब इसको कैसे किया जाए याद? याद करने के लिए तो आपके पास डेटा भी होना चाहिए। तो हमारे ही बीच में एक स्टूडेंट है, हमारी रेनु, आई गेस शी इज देयर, उन्होंने एक पीडीएफ शेयर की थी, बहुत अच्छी पीडीएफ थी। टेलीग्राम पर वो पीडीएफ मैंने शेयर की थी, उसके कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर भी लिए हैं, आप देख सकते हैं। थैंक्स टू हर, आप लोगों को सभी को थैंक्स करना चाहिए, सभी को, है ना। उन्होंने बहुत अच्छा डेटा आपको दिया है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। पहली बात, जिसने भी इसका आंसर फोर्थ दिया है वो चार नंबर ऐड करें, रेस्ट एक मार्क डिडक्ट करें। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं आप नेगेटिव मार्किंग मत करो, आप उसको छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग मत करो। हर एक सेशन जो मैं कराऊंगी आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, हाथ को रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक नंबर चला जाएगा। आप इस चीज़ को समझते हैं। रेनू ने पूरा का पूरा एक पीडीएफ शेयर किया था मेरे साथ, मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, थैंक्स टू हर। नेशनल पार्क का पूरा एक पीडीएफ था, बहुत सारे नेशनल पार्क्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ वो प्रेजेंट हैं, साथ साथ जो एनिमल की वहाँ पर बात की गई है उसका कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है, इस पर तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वर्नेलेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, एक्सटेंट हो चुका है, वॉट एवर। देखिए यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, एवरीवन। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश का है, मेघालय का है, सिक्किम का है, नागालैंड, मणिपुर, बहुत सारे जो मेन स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स हैं, उन्होंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड अगेन जो है, रेड पांडा कितना पूछता है ना। एंड सबसे अच्छी बात, इसमें इनके साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं, है ना, एंडेंजर्ड है, बहुत। आपको एक भी चीज़ इसमें से पता है आपके चार नंबर पक्के। आप समझ रहे हो इस चीज़ के इंपॉर्टेंस, सिर्फ आधा घंटा, हो सकता है 45 मिनट्स लग जाए, बट हमेशा फ़ायदा रहेगा अगर आप याद कर लोगे तो, राइट। ये पूरी पीडीएफ तो मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकती थी, इसलिए ठीक इस सेशन के बाद मैं दोबारा से अपने टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र पर वो पीडीएफ शेयर करूँगी। आप लोग उसको डाउनलोड करोगे, चाहो तो कॉपी में लिखो, प्रिंट आउट निकलवाओ, वॉट एवर, फ़ोन में रखो, आपको याद करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बिल्कुल शेयर कर देंगे प्रियंका, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए ये देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे अदर स्टेट्स के भी थे, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए, बहुत ज़्यादा चीज़ें लंबे चले जाती, बट आई विल मेक श्योर कि मैं शेयर करूँ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एवरीवन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा भी है मैंने, आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, एंड आपको सब कुछ याद करना है, आपको स्टेट का नाम याद करना है, आपको नेशनल पार्क का नाम याद करना है, वहाँ का की प्रोटेक्टेड एनिमल याद करना है, उसका साइंटिफिक नेम याद करना है, उसका कंजर्वेशन स्टेटस याद करना है। आर यू गेटिंग एवरीवन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टार्ट। एवरी वन ऑफ यू प्लीज, विजुअल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अपनी ध्यान से देखो वो क्या पूछ रहा है, उसने बोल्ड में लिखा हुआ है, गलती मत करो, चार नंबर का क्वेश्चन है,
सही करोगे 4 नंबर देके जाएगा, गलत करोगे 5 नंबर लेके चला जाएगा। और ये चीज मैं अभी बोल रही हूं, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी क्लू मिलेगा फिर क्या फायदा बताओ। प्लीज स्टॉप एवरीवन, टाइम इज ओवर, प्लीज स्टॉप। देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी का, दो पैटर्न्स यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो है वो शो किए गए हैं। 4 स्पीशीज 4 स्पीशीज 4 प्रजातियाँ जो शो की गई हैं ए बी सी डी, एंड एक पूरा मॉडल आपको एक्स एंड मॉडल वाई दिया गया है। आपको बताना है अगर आप इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हो क्या चीज़ इनकरेक्ट है। इकोलॉजिकल इकोसिस्टम सक्सेशन आगे बढ़ना, जब बंजर भूमि पर धीरे 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 चीज़ें पनपती हैं, बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, पायनियर स्पीशीज आती है स्टार्टिंग में, एट द एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, उस पूरे प्रोसेस को हम सक्सेशन कहते हैं। स्टेप वाइज चीज़ें चल रही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, एक्वाटिक में भी होता है। इसी चैनल पर फ्री वीडियोज भी प्रेजेंट हैं, आप लोग देख सकते हो। सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा था। मॉडल एक्स एक्चुअली फैसिलिटेशन मॉडल शो कर रहा है, मॉडल वाई टॉलरेंस मॉडल शो कर रहा है। देखिए 3 मॉडल्स जो है सक्सेशन के दिए थे कॉर्नेल एंड स्लैटर ने 1979 में। फैसिलिटेशन मॉडल का मतलब समझते हैं, एक पहले की जो स्पीशीज है वो नेक्स्ट स्पीशीज को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। सक्सेशन में क्या हो रहा है, पहले पॉइनियर स्पीशीज आती हैं, उसके बाद सीधा लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। हम कहते हैं पूरा एक सिस्टम जो है वो कम्युनिटी पूरी की पूरी एक स्टेबलाइज हो गई, सक्सेशन चलता रहा। फैसिलिटेशन मॉडल में एनवायरनमेंट अर्ली स्पीशीज के लिए कम सुटेबल होता है, लेट स्पीशीज के लिए वो ज़्यादा सुटेबल हो जाता है, क्योंकि पहली वाली स्पीशीज पूरा सब कुछ प्रोडक्टिव कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेशन मॉडल। टॉलरेंस मॉडल जो आपसे पूछा था 3rd वाला, इसमें क्या है, अर्ली स्पीशीज के लिए जो है वो लेस सुटेबल है, बट बाद वाली जो स्पीशीज आती हैं जो धीरे धीरे सक्सेशन में आती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल या हार्मफुल ये नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज इन्वॉल्व। जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता जाएगा बंजर भूमि में से चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, हम देखेंगे कॉम्पिटिशन भी होगा रिसोर्सेज के लिए, राइट। ये 3 चीज़ें अपन लोग पढ़ते हैं, बहुत सिंपल एंड बहुत ब्यूटीफुल ईजी सा टॉपिक है। आपने एक बार अच्छे से समझ लिया आप कभी इसको गलत नहीं करोगे। जिसने भी 2nd ऑप्शन मार्क किया था प्लीज़ गिव योर सेल्फ 4 मार्क, अदरवाइज प्लीज डिडक्ट 1 मार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन।
प्लीज स्टॉप एवरीवन. सी गाइस, अगेन सेक्शन सी का क्वेश्चन था. गिवन बिलो आर द स्पीशीज एक्यूमुलेशन कर्व एंड रेयर फैक्शन कर्व्स मेजर्ड इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी. एक कम्युनिटी बहुत सारी स्पीशीज से मिलकर बनती है ना, अलग अलग प्रजातियाँ होती है, तब हम कहते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो बन गई है. अब आप वहाँ पर देखते हो कम्युनिटी की, आप डाइवर्सिटी भी देखते हो कि कितना डाइवर्स है कम्युनिटी. यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर सर्वे का साइज है एक्स एक्सिस पर एंड यहाँ पर स्पीशीज़ का नंबर है. एंड अगेन आप देख रहे हो दोनों ही, अगर आप रेयर फैक्शन कर्व को लेते हो या एक्यूमुलेशन कर्व को लेते हो, दोनों ही ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, फिर एक थोड़ा सा स्टैगनेंट सा फॉर्म आ जा रहा है. ठीक है, आपको इनकरेक्ट चीज़ बतानी थी इसमें एंड इसका करेक्ट आंसर जो था वो 4 था, जो बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही दिया. करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था. स्पीशीज एक्यूमुलेशन कर्व, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं. स्पीशीज को आप एक्यूमुलेटिवली उनका सर्वे करते चले जा रहे हो, सैम्पलिंग करके ऐड करते चले जा रहे हो. स्पीशीज एक्यूमुलेशन कर्व्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रेयर फैक्शन कर्व्स मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो. एक्यूमुलेशन में आप देख रहे हो कि पहले लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से zigzag सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जबकि रेयर फैक्शन में आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि राइट से जो है वो चीज़ें इस तरीके से मूव कर रही हैं. एकदम सही बात थी, दिखाई भी दे रही थी. स्पीशीज एक्यूमुलेशन कर्व रिप्रेजेंट द टोटल स्पीशीज रिचनेस ऑफ द असेंबलेज. आप एक्यूमुलेशन बोलो, आप असेंबलेज बोलो, आप कलेक्शन बोलो, तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों ही सिनोनिम्स हैं, एक कॉमन सेंस की बात है. दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. अब अगर आप देखते थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को, ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होता, रेयर फैक्शन कर्व रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द रिपीटेड रीसैम्पलिंग ऑफ ओल्ड पूल्ड सैंपल्स. That is the truth. This is the actual definition of rare fraction. कि रेयर फैक्शन कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीन वैल्यू. स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हैं मीन, मोड, मीडियन, टोटल मीन वैल्यू ऑफ रिपीटिव रीसैम्पलिंग ऑफ ऑल द पूल्ड सैंपल्स जितने भी कम्युनिटी में प्रेजेंट हैं. वो एक रियलाइज्ड एक्चुअल सिनारियो शो नहीं कर रहा है, एक एक्सपेक्टेटेड या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है वो शो कर रहा है. दिस इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज उसने इनकरेक्ट पूछा था. जिसने भी फोर्थ मार्क किया है प्लीज ऐड कर लीजिए. वो सिर्फ प्रियंका कर्व की डायरेक्शन शो कर रहा है, आप देख भी सकते हो कर्व की डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एक्यूमुलेशन में एंड सिंपली राइट टू आगे चीजें चलेंगी एंड फिर एक स्टैग्नेंट फॉर्म आ जाएगा. आप कहोगे कि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, एक्चुअल में दिस इज अ रियलिटी. In ecology, rare fraction is a technique to assess species richness. जब आप community को study करते हो आप दो parameters देखते हो, एक आप species richness को देखते हो, आप एक species evenness को देखते हो. richness का तो मतलब है कितनी variety present है, evenness का मतलब है कितने number में present है ना, 20 इस तरीके के पौधे हैं, 20 इस तरीके के पौधे हैं, 20 इस तरीके के हैं, evenness है अलग अलग species में. रिचनेस ये भी वैरायटी है, वो भी वैरायटी है, ये दोनों चीज़ों को देखकर आप रिचनेस एंड इवननेस दोनों को कैलकुलेट करके जो है आप एक कम्युनिटी की पूरी डाइवर्सिटी निकालते हैं. आप देखते हो कितना डाइवर्स पूरा का पूरा एरिया है. दिस इज अ टेक्निक टू एसेस स्पीशीज रिचनेस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग. रेयर फैक्शन अलाउज द कैलकुलेशन ऑफ स्पीशीज रिचनेस फॉर अ गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सैंपल्स बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन सो कॉल्ड. हम इसको रेयर फैक्शन कर्व बोलते हैं. सिंपली फर्स्ट में कुछ भी नहीं है दिव्या एंड प्रियंका, सिर्फ ये मोड दिखाया गया है कि किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, एक बार लेफ्ट हो रही हैं फिर राइट हो रही हैं, एक बार लेफ्ट हो रही हैं फिर राइट हो रही हैं, zigzag पैटर्न है. सिर्फ विजुअल एफिशिएंसी दिखाई गई है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर एक्यूमुलेशन एंड रेयर फैक्शन की बात हो रही है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो राइट में मूव करके फिर इस तरीके से ऐसे कर्व हो गया, मतलब राइट टू इस तरीके से आगे डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं अगर आप रेयर फैक्शन की बात करते हो तो. स्पीशीज डिस्कवरी कर्व और एक्यूमुलेशन कर्व इज अ ग्राफ रिकॉर्डिंग द क्यूमुलेटिव असेंबलेज एंड कंप्लीट क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द स्पीशीज, जैसे कि नाम रिप्रेजेंट. Is that clear everyone? Just give me a thumbs up if it is clear. Give yourself 4 marks अगर आपका answer 4 था. Otherwise please deduct 1 mark क्योंकि एक section C का question था. चलिए, is it clear?
गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर एवरी वन ऑफ यू. कुछ सीख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ग्राफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे डेटा को ग्राफ को कोरिलेट करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिलती है उन दोनों पर ध्यान देना है. मेजॉरिटी में 90% देखते हो, उसी में से एक आंसर होता है. ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे, सेक्शन सी में 100 out of 100 स्कोर करोगे, आई कैन गारंटीड यू, क्योंकि वहाँ पर आपको चॉइसेस भी मिलती हैं, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं एवरी वन. अभी दिसंबर 2018 का शुरू हो चुका है, वो ओवर हो चुका है क्योंकि वो हमने फिनिश कर लिया एक साल का पेपर. प्लीज स्टॉप एवरी वन अगेन. आई कैन सी सो मेनी आंसर इन दिस रिगार्ड. ऑप्शन 1, 2 and 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया इन डिफरेंट इको सिस्टम. आप जब इको सिस्टम पढ़ते हो, आप लोग बायोम्स पढ़ते हो, है ना, टुंड्रा, टेगा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, डिजर्ट, सवाना, आप देखते हो अलग अलग रीजन के, अलग अलग इको एरिया के ज्योग्राफिकल एरियाज जो है वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी होती है, कैसे प्लांट्स है, कैसा फ्लोरा एंड फौना है, ये चीज़ें वेरी करती हैं. आपको यहाँ पर बताना था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखते हो नेट प्राइमरी डेली डेली टोटल उसने नहीं पूछा है, डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो भी पर यूनिट लीफ एरिया. ये पॉइंट पर आपको ध्यान देना था. आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, अगर आप नॉर्मली देखोगे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो हमें ये तीनों दे रखे हैं, इसमें ट्रॉपिकल इज द वन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है जो कि ज़रूरी है. सनलाइट भी प्रॉपर है, टेम्परेचर प्रॉपर है, रेनफॉल प्रॉपर है, ज़्यादा प्लांट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अगेन वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी. बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी थी, वो देनी थी पर यूनिट लीफ एरिया. अगर आप बात करते हैं उस सिनेरियो में आप देखते हैं दिस इज द राइट आंसर. सबसे ज़्यादा लीव्स का आपको स्ट्रक्चर देखना था, डेजर्ट्स, आफ्टरवर्ड्स आप देखोगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फिर आप देखोगे टेम्परेट फॉरेस्ट. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगेन रेनू ने हमारे साथ एक पीडीएफ शेयर किया था इसके ऊपर, वो पीडीएफ मैंने भी ऑलरेडी पढ़ लिया था रेनू, बट थैंक्स टू यू अगेन फॉर शेयरिंग. आई विल शेयर दैट पीडीएफ वंस अगेन, आप चाहो तो पढ़ सकते हो. ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा जो है रिसर्च पेपर में बहुत अच्छे से डिपिक्ट करा हुआ है एंड कन्फ्यूजन होना बिल्कुल जाहिर था इस चीज़ में. बट अगेन हमें पर यूनिट लीफ एरिया भी कंसिडर करना है. देर इज़ अ डिफरेंस कि आप टोटल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो या पर यूनिट लीफ एरिया के हिसाब से प्रोडक्टिविटी की बात करो. आई विल शो यू सम पिक्चर्स, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है. एनपीपी का मतलब सब समझते हैं ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, तो पूरा कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसको अपन लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये ग्रॉस सिंपल मैथमेटिक्स का वर्ड है, मतलब टोटल. इसमें से जितना प्लांट यूज कर लेता है रेस्पायरेशन में, उसके बाद जो चीज़ बचती है, है ना, उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप इकोलॉजी की बात करते हो.
इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं एस्टुअरीज, जहां पर अलग अलग जगह का पानी आकर मिलता है ना, समुद्र का पानी, नदी का पानी आकर मिलता है, बहुत हाई रिच न्यूट्रिएंट पूरा सिस्टम होता है, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। फिर स्वैम्स, दलदले इलाके, मार्शेस है ना, दलदले इलाके होते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा सोलर एनर्जी रहता है, संसाधन बहुत अच्छे हैं, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखी जाती है। फॉलोड बाय, उसके बाद अपन देखते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट आता है, फिर टेम्परेट आता है, फिर सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड, एट लास्ट आता है रेगिस्तान मरुस्थल, जिसको आप बोलते हैं डेजर्ट्स के स्कर्ब्स हर्ब्स अपन लोग देखते हैं, है ना। कोई बात नहीं श्रद्धा, उसके लिए भी एक सेशन लॉन्च करेंगे, बायोम्स के ऊपर भी। आई विल मेक श्योर कि मैं उसको बहुत अच्छे से आपको करा दूँ। आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो, ताकि आप याद कर लें, मतलब आई विल प्रिपेयर सम टैबुलेटेड फॉर्मेट्स फॉर यू गाइस, सो दैट दिक्कत ना। ये तो है नॉर्मल सिनेरियो। अगर आप बात करते हैं प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया, तो आप वहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको लाइक जो भी आपको दिए गए थे उसमें आपको डेजर्ट के केसेस में भी इट विल बी हाई। पर यूनिट लीफ एरिया की अगर आप बात कर रहे हैं उसमें वैल्यूज आपको अलग मिलेंगी। आप देख रहे हो 1.43 यहाँ मिल रही है, ट्रॉपिकल में 1.14 मिल रही है, उसके बाद टेम्परेट की बात आ रही है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी स्टडी करोगे जो भी डेजर्ट एरिया के प्लांट्स हैं आपको लीफ एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा। हम यहाँ पर टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर लीफ के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग, कैन यू सी दैट एवरी वन ऑफ यू? हाँ जी, आंसर 3 है, आंसर 1 नहीं है ध्रुव पटेल, आंसर इज 3 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आई विल शेयर दैट PDF इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप पढ़ लीजिएगा, क्लास के बाद मैं वो PDF भी शेयर कर दूंगी। लीफ एरिया मतलब लीफ का एरिया, वो एरिया सरफेस एरिया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ज्योति शुक्ला, इज दैट क्लियर? 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रिपीटेड वे में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स इन केस अगर आपका आंसर 3 था, जो कि काफी कम बच्चों का था, अदरवाइज प्लीज डिडक्ट 0.5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा क्विक कर लो क्योंकि अगेन 9 बजे आपका क्विज शुरू हो जाएगा। खुशी, ये वीडियो यहीं पर रहने वाली है, आराम से बाद में देख लेना, सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस मैं हटाऊंगी तो है नहीं, यहीं पर रहेंगी, मतलब मैं नहीं हटाऊंगी चीजों को। एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एवरीवन, आई होप सो, एवरीवन ऑफ यू आई होप सो सबने आंसर दे दिया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, आइलैंड बायोजोग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, जो कि मैक आर्थर ने इसकी एक थ्योरी दी थी, एंड उन्होंने बोला था कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है कब, एक बैलेंस आता है कब। डेफिनेटली आप सबका आंसर एकदम सही है, 3rd इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉलोनाइजेशन रेट एंड एक्सटेंशन रेट दोनों ही में बैलेंस होना चाहिए। कितने ऑर्गेनिजम्स इमिग्रेट होकर आ रहे हैं एक लैंड पर, एंड कितने जा रहे हैं, ये पॉइंट हमें जो मिलता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, जो कि मैक आर्थर ने अपनी थ्योरी में बताया था। राइट, बहुत सिंपल टॉपिक है आइलैंड बायोजोग्राफी का, इजी है। 2 मार्क्स दीजिए अगर आपका आंसर 3 था, अदरवाइज प्लीज डिडक्ट 0.5, बिकॉज ये एक जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तरुण, अगर आई एम वेरी बैड, कोई बात नहीं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन रन कर रहा है, अगर आपका कमेंट छूट गया तो मुझसे क्या गुनाह हो गया, मुझे बता दीजिए। आप लोग 110 बच्चे लाइव हो, आप 110 हो, मैं अकेली हूँ, इज इट पॉसिबल कि मैं सबका इतना फ्लक्चुएटिंग अमाउंट में जो ऊपर कमेंट्स जा रहे हैं आई कैन रीड ऑल, इज दैट पॉसिबल? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तरुण, अगर तुम्हारा कोई कमेंट रह गया है मुझसे रिप्लाई करना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन एंड पे अटेंशन। एंड तरुण दीक्षित ने कुछ पूछा भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है गुड इवनिंग मैम हाउ आर यू, मैंने उस चीज का रिप्लाई नहीं किया एंड ही इज ओके, लीव इट। सच्ची, अरे राम, ओके लीव इट गाइस, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी अगेन, लॉट का वोल्टेरा लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल अपन लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं यहाँ पर। अ पॉपुलेशन जिसमें अगेन एक इक्वेशन दी हुई है ग्रोस अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, जो कि एक्चुअल रियलिटी में लॉजिकली होती है, डी एन बाई डी टी आर एन वन माइनस एन के केस द कैरिंग कैपेसिटी है। आपको सिर्फ इतना बताना था कि अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट मैक्सिमम कब होगा, दैट यू हैव टू टेल। कैरिंग कैपेसिटी का फोर टाइम, क्वार्टर या हाफ या टिल कैरिंग कैपेसिटी या ट्वाइस ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीवन। देखिए जर्नली अगर आप लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को देखते हो, लॉटका वोल्टेरा में भी हम अपन ने ये देखा था, पॉपुलेशन इकोलॉजी में भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लाइव सेशंस लिए थे। बिगनिंग में हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रो करती है, एक्सपोनेंशियली एकदम से बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो आर मैक्स के करीब पहुँचती है धीरे धीरे चीज़ें स्लो हो जाती हैं। आप देखिए इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, एक्सपोनेंशियली हम देखते हैं सिंपली डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, हम देखते हैं जे शेप कर्व आता है, ठीक है। वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन का जो है सिनारियो दिखा रखा है, वर्टिकल एक्सिस पर पॉपुलेशन साइज दिखा रखा है, एंड अगेन यहाँ पर जो है वो रेट दिखा रखा है एक्स एक्सिस पर। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन में हम देखते हैं हमें सिग्मोइडल कर्व मिलता है। एट दिस पॉइंट केस व्हाट द कैरिंग कैपेसिटी, जब हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी तक चीजें पहुंच जाती हैं, इस पॉइंट पर जिसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बेसिकली जो है मैक्सिमम सस्टेन यील्ड हमें यहीं पर ही मिलती है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोला जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। आप देखोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तक चीज़ें पहुँच रही हैं, चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं, पॉपुलेशन रैपिडली राइज होती चली जाती है। ऐसे ही कर्व आपको एंजाइम काइनेटिक्स में भी मिलता है, आप लोग देखते हो ना वी मैक्स के एम ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, सेम वही चीज़ है। ये पार्ट एंड ये पार्ट लगभग इक्वल देखे जाते हैं, इक्वल हाफ देखे जाते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट के हाफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिगेन स्लोइंग आफ्टर इट। एट दिस पॉइंट इट इज द सिनेरियो कि थ्योरेटिकली आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल पर ये चीज मिलेगी। आप लोगों ने सबसे सही आंसर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए लीव इट एवरीवन, डोंट वरी, चलिए ऐसा होता रहता है। चलिए सो एवरीवन टेल मी कितना स्कोर आप लोगों ने आज किया आउट ऑफ 22, व्हाट्स योर स्कोर एवरी वन ऑफ यू, एंड क्या आज आप लोगों ने कुछ सीखा, एवरी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। 21.5, ग्रेट, प्लीज शेयर योर स्कोर एवरीवन, आउट ऑफ 22 कितना स्कोर आप लोगों ने आज किया है, एंड आई होप सो काफी कुछ सीखा होगा। 22, क्या बात है, के एम रेनू, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, दोनों ही प्लस के बच्चे हैं। ग्रेट शिमला, ग्रेट शिमला चौधरी, 21.5, 19.5, 15.5। ओके आयुष, खुशी, एकता, आयुष 14, तान्या बढ़िया, ज्योति बहुत बढ़िया, निवेदिता गुड, 5.5 इज अ लो स्कोर कैट ब्रो, रानी 15, 14, ओके अंजू, ऑनेस्टली अंजी अंजलि 9.5। आई कैन सी सम गुड स्कोर्स, आई गेस यू पीपल आर इम्प्रूविंग। कम आया है, ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप लोग सीख रहे वो चीज़ मायने रखती है। कल दोबारा से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टाइम पर, स्केड्यूल मैंने टेलीग्राम पर दोबारा से कल शेयर किया था। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स को हम ऐसे ही लाइव ज्वाइन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप लोग ज्वाइन करेंगे आप अटेंड कर सकते हैं। 9 बजे भी एक बेसिक सीरीज होती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर, जहाँ मैं बहुत सारी डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ। कुछ फ्री सेशंस हैं वो भी देख सकते हो, आप लोग नेहा तनेजा सर्च करोगे आपको वहाँ पर मैं मिल जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ भी पढ़ा रखी हैं, यहाँ भी पढ़ा रखी है, आप देख सकते हो। अगर आप प्लस में एनरोल करना चाहते हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, जहाँ पर पेड कोर्सेज होते हैं, सारे स्ट्रक्चर यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए आप लोगों को पढ़ाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आर ऑल्सो देयर, इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। फाइन, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, नेहा तनेजा एंड गुरुमंत्र पेज पर। मेक श्योर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्टेड रहे, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। कोई बात नहीं तरुण, इट्स ओके, आप चिंता नहीं कीजिए, डोंट वरी, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आई नेवर माइंड एनी थिंग फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। कई बार थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके लिए ही ये सब कर रही हूँ, आपके लिए ही एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर यहाँ पर सेशंस ले रही हूँ। अदरवाइज आप देखते हैं कि अनअकैडमी पर भी मेरे काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, बट दिस इज़ द समथिंग एक्स्ट्रा आई एम डूइंग फॉर यू, ताकि आप लोग जो बच्चे एफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको भी हेल्प मिल सके। सिर्फ मेरी एक छोटी सी कोशिश है, अगर थोड़ा सा अप डाउन ऐसी चीज़ें रहेंगी, कुछ एब्यूसिव वर्ड्स का आप यूज़ करोगे या फिर आउट ऑफ टॉपिक चीज़ें बात करोगे, तो वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। आई होप सो आप इन चीज़ों को भी समझेंगे, मेरी तरफ से भी इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए, आप लोगों के पास लगभग 9 मिनट है, 9 मिनट के बाद एक बेसिक क्विज दोबारा से यहाँ पर लाइव शुरू होगा। आज आपका सेंसरी फोटोबायोलॉजी पर आई गेस पूरा सेशन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, मेक श्योर आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। चलो जी, मिलते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। शिवानी, ये वीडियो यही रहने वाली है, एक बार आप एक्सप्लेनेशन सुनना, अगर आपको समझ नहीं आया मुझसे कमेंट में पूछना, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, थैंक यू सो मच, ओके।